लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नरेट में हुए हैं कई तबादले। तीन सहायक पुलिस आयुक्त के हुए हैं तबादले। पवन गौतम सहायक पुलिस आयुक्त के असरबाग बनाए गए, जहां पंकज कुमार श्रीवास्तव सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णा नगर बने। जय शांडिल्य को दिया गया अतिरिक्त कार्यभार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कई तबादले हुए हैं। तीन सहायक पुलिस आयुक्त के तबादले किए गए हैं, जिसमें पवन गौतम सहायक पुलिस आयुक्त के सरबाग बनाए गए, पंकज कुमार श्रीवास्तव सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णा नगर बने, जय शांडिल्य को दिया गया है अतिरिक्त कार्यभार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नरेट में हुए हैं तीन तबादले। तीन सहायक पुलिस आयुक्त के तबादले किए गए हैं। पुलिस पवन गौतम सहायक पुलिस आयुक्त के सरबाग बने, तो वहीं पंकज कुमार श्रीवास्तव सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णा नगर बने, जय शांडिल्य को दिया गया है अतिरिक्त कार्यभार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। फरुखाबाद से इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गंगा पुल अपनी दुर्दशा की कहानी कर रहा है बयान। गंगा पुल पर खुले हैं कई खतरनाक ज्वाइंट, पुल से गुजरने वाले राहगीर हुए हैं भयभीत। पुल के जमींदोज होने पर भी नहीं जागा है प्रशासन। इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट में बना है ये गंगा पुल। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गंगा पुल अपनी दुर्दशा की कहानी बयां कर रहा है। गंगा पुल पर खुले हैं कई खतरनाक ज्वाइंट, पुल से गुजरने वाले राहगीर हुए हैं भयभीत। पुल के जमींदोज होने पर भी नहीं जागा है प्रशासन। इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट में बना है ये गंगा पुल। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दोना मांगने पर दुकानदार ने बच्चे को पीटा, खोलते हुए तेल फेंक कर भी किया है बच्चे को घायल। बच्चे की शिकायत लेकर पहुंचे हैं उसके चार रिश्तेदार, जहां आरोपी दुकानदार को पुलिस ने लिया है हिरासत में, साथ ही बच्चे को इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। नगर कोतवाली के करौंदिया मोहल्ले की है ये पूरी घटना। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दोना मांगने पर दुकानदार ने बच्चे को पीटा, बच्चे के ऊपर खौलता हुआ तेल फेंक कर किया है उसे घायल। बच्चे की शिकायत लेकर पहुंचे हैं उसके चार रिश्तेदार, आरोपी दुकानदार को पुलिस ने लिया है हिरासत में, साथ ही बच्चे को इलाज के लिए भेजा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरी घटना? बच्चे की शिकायत लेकर पहुंचे हैं चार रिश्तेदार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजीव, क्या कुछ है मामला, पूरा मामला बताएं। जैसे आपको बता दूं कि नगर कोतवाली की करौंदिया मोहल्ले की घटना है। आज दोपहर जो है कि छोटा बच्चा था, वो दुकान पे समोसा खाने के आया हुआ था। उसी दरमियान वहाँ पे जो दुकानदार था उसी की बात को लेकर झड़प हो गई। बताया ये जा रहा है कि जो दोना था जिसे समोसा दिया गया था, उसकी दोना फटा हुआ था। लड़के ने डिमांड की दूसरा दोना दिया है, इसी के दुकानदार भरा दिया, बच्चे को पीट दिया, जिसके बाद बच्चे ने जाकर घर पे शिकायत की। उसी शिकायत के बाद जब वहाँ पर जो परिजन रिश्तेदार पहुंचे, उसको भी दबंग दुकानदार ने उनको जमकर पीट दिया। साथ ही जो कढ़ाई में तेल था उसको खौलता हुआ तेल था उन लोगों को फेंक दिया, जिसके बाद वो सभी घायल हो गए। आनंद खान उन सभी को जो है अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस को तहरीर दे दी गई, पुलिस मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।